हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ यार। मुझे बड़ा ही हैवी टाइप का जुकाम लग चुका है एंड आई होप कि आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल रात को बस खाली पीली में ठंडा पानी पी लिया यार, और उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अभी इसका भी कोई करना पड़ेगा सीन, रास्ते में किसी डॉक्टर से इसकी ट्रीटमेंट लेंगे, कोई मेडिसिन लेंगे। एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़ जो कि आज का मेन सीन है, एंड दैट इज़ आई एम गोइंग टू सियालकोट सिटी। और ये गुड न्यूज़ नहीं है कि सियालकोट जा रहा हूँ, आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता है कि वहाँ पर कितनी जिल्लत हुई थी। द गुड न्यूज़ इज़ कि मेरा जो ट्रांजिट वीज़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस हो चुका है। कल मुझे मेल आई थी अनातोलिया वालों की कि आप सर आके सियालकोट में अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आपने लास्ट व्लॉग देखा, हम गए थे सियालकोट में अनातोलिया के ऑफिस अपना ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने, तो अभी अगेन जा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने कहा था लास्ट टाइम जब मैंने ये अप्लाई किया था, उन्होंने कहा था कि 15 से 20 दिन लगेंगे इसको प्रोसेस होने में, लेकिन फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वीज़ा है वो 7 दिन में ही प्रोसेस हो चुका है। ट्रांजिट वीज़ा जो है सम टाइम इट टेक्स टाइम, लेकिन आई थिंक उधर सियालकोट वाले ऑफिस में ज़्यादा रश नहीं होता और यहाँ फिर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते ट्रांजिट वीज़ा के। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें उधर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक होती है, मैंने विज़िट किया था उधर काफ़ी पब्लिक थी, लेकिन ये सियालकोट में इतनी पब्लिक नहीं थी। हाँ जी, सो वी आर ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, कहा थोड़ी सी टांगे सीधी हो जाएं, और वैसे भी मैंने एटीएम यूज़ करनी थी, तो अभी यहाँ से पैसे निकलवाते हैं, ज़रा एक ब्रेक भी हो जाएगी, ये काम भी हो जाएगा और फिर आगे निकलते हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, एटीएम इज वर्किंग। हाँ जी, सो इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। इस वक्त जनाब हम लोग रास्ते में रुके हैं दरियाए चनाब के ब्रिज के ऊपर। यू कैन सी इट्स अ लॉन्ग ब्रिज एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रिज एज वेल। और यहाँ पे ये बड़ा ही सेटिस्फाइंग सीन है यार, दरिया को देखना। दिस इज़ द रिवर। दरिया में पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स रियली रिलैक्सेशनल। और पानी से भी ज़्यादा जो सेटिस्फाइंग चीज़ है ना वो ये रेत है। यू कैन सी साफ सुथरी रेत है, और जब रेत के ऊपर लाइट पड़ती है ना सूरज की, तो वो चमकना शुरू हो जाती है। ठीक है, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल एंड बहुत ही पीसफुल है, देख के सुकून मिलता है। यहाँ पे बस बंदा खड़ा हो जाए, गाड़ियों की आवाज़ें जनाब, और ये जो सामने सीन है इसे इंजॉय करें। और अभी टाइम हुआ है आई थिंक 8:15 हुए हैं, 8:15, और एनातोलिया की जो ओपनिंग टाइमिंग है वो है 9:00। और मैंने जस्ट वहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट करना है, तो मेरा वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए कोई जल्दी नहीं है, कोई मतलब टेंशन नहीं है, आराम से जाएँगे। अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग, गप्पे शप्पे लगाएंगे, और इसके बाद आगे इंशाल्लाह कहीं से नाश्ता करना है। आई होप कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ से कोई पराठे वगैरह, कोई लस्सी टाइप इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए, जिससे फिर एनर्जी जो है वो रीफिल हो जाएगी। बाकी जो भी है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना, फिंगर्स क्रॉस, और आई होप कि आगे भी कोई मसला नहीं बनेगा, आराम से जाएँगे चिल करते हुए, किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी मिलता हूँ आपको आगे। हाँ जी, तो जनाब इधर एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, एंड दी ओनली रीज़न मैं यहाँ पे रुका हूँ, आप देख सकते हैं, मरहबा गुजराती होटल।
दिस होटल इज फ्रॉम गुजरात साइड, ये मतलब हमारे शहर के लोग जो हैं वो इसे मैनेज कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न, बिकॉज मैं इस चीज़ पे शर्त लगा सकता हूँ कि गुजरात हमारे शहर में खाना आपको बुरा खाना नहीं मिलेगा, मियारी खाना मिलेगा, साफ सुथरा खाना मिलेगा। आई कैन बेट ऑन दिस, गुजरात की बात कर रहा हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट से खाना खाएं गुजरात में, साफ़ सुथरा खाना। हमारी पब्लिक में एक ये चीज़ है कि भाई हम साफ रहना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, और खाना उधर आपको गंदा नहीं मिलेगा, एंड जस्ट बिकॉज देर इज़ रिटन गुजरात, आई होप कि यहाँ से खाना अच्छा मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा भाई बता रहे हैं कि ऑप्शंस हैं उनके पास, एंड लेट्स सी, आई होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन और ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। यहाँ अभी ज़रा नाश्ता करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। लेट्स गो। इधर जनाब, हाँ जी, ये जो चीज़ है ना यार, ये मुझे रेस्टोरेंट्स की बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप इजी हो गए, जिस तरह मर्ज़ी आप बैठे जनाब, आप चाहे लेट जाएं, तकिए लगे हुए हैं, आराम से टेक लगाएं, सुकून करें, इजी हो के खाना खाएं, ठीक है, इंजॉय करें। सो आई रियली लाइक दिस स्टफ, और ये परने ने बहुत हेल्प की यार, मेरा सर चकरा रहा था, मुझे ज़ुकाम था, और जब भी ज़ुकाम होता है हल्का हल्का वो ना बुखार सा जनरेट होता है, सर दर्द करता रहता है, लेकिन इसने पूरा सर को बचाया है धूल से भी और ठंडी हवा से भी। सो इट्स आई मीन प्लस पॉइंट, इसने बहुत हेल्प की है। और अभी जनाब खाना खाते हैं, लेट्स सी कि क्या सीन होता है, उसके बाद आगे इंशाल्लाह मूव करते हैं। अच्छा जी, तो हमारा नाश्ता आ चुका है जनाब, ये हैं शाही चने, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, और ये हैं जनाब हमारे आलू के पराठे। लस्सी नहीं थी अवेलेबल, इसलिए मैंने उन्हें कहा है कि दो कप चाय ले आएँ, अगर लस्सी हो जाती तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाना था। बाकी जो भी है, आई होप कि खाना अच्छा होगा, अभी खाना खाते हैं फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। हाँ जी, सो वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट यार, व्हाट एन एक्सपीरियंस। ये जो मरहबा गुजराती होटल है यार, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपीरियंस। चुम्मेश्वरी खाना था और एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा खाना था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। अभी चलते हैं सीधा जनाब विदाउट किसी ब्रेक के एनातोलिया के ऑफिस, और वहाँ से अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं। लेट्स गो। हाँ जी, तो हम लोग फाइनली जनाब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, आई थिंक सेकंड फ्लोर पे है एनातोलिया का ऑफिस, और अभी अंदर चलते हैं और जाके अपना वीज़ा कलेक्ट करते हैं। सो हियर वी आर, दिस इज़ द ऑफिस ऑफ एनातोलिया। हाँ जी, तो जनाब फाइनली हमें हमारा ट्रांजिट वीज़ा सक्सेसफुली मिल चुका है, ठीक है जी, बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस था, 3 से 4 मिनट लगे होंगे अंदर। मैं गया हूँ, यहाँ पे रश ज़्यादा नहीं था, ठीक है, उन्होंने मुझसे आईडी कार्ड की कॉपी ली है जनाब, उसी वक्त उन्होंने मुझे मेरा वीज़ा पकड़ा दिया। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, एक साल के लिए जितनी दफ़ा मर्जी चाहूँ मैं टर्की का जो एयरपोर्ट है उसे क्रॉस कर सकता हूँ। सो विदाउट किसी प्रॉब्लम के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा आज का काम क्लियर हो गया, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की एनातोलिया वालों ने ना, और ऊपर से थोड़ा सा लक ने भी साथ दिया कि उन्होंने 15 से 20 दिन कहा था, लेकिन हमारा जो वीज़ा है जनाब वो 7 दिन के अंदर ही स्टैम्प हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी चलते हैं सीधा घर जनाब, फिंगर्स क्रॉस्ड, हर एक चीज़ परफेक्टली हुई, कोई किसी किस्म का मसला नहीं बना, अब जनाब बस टिकट करवाएँगे और यहाँ से सीधा ट्रैवल करेंगे, सीधा नॉर्दर्न साइप्रस में जा के अपनी आगे जो हायर स्टडीज़ की लाइफ है उसे कंटिन्यू करेंगे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड थैंक्स टू एनातोलिया फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल सर्विसेज। अभी सीधा चलते हैं जनाब घर, लेट्स गो।